हेलो एवरीवन, मैं आर्य शेखावत डीसीएम क्लासेस के चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बीबीए सेकंड सेम जो है उसका बिजनेस मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है उसके इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो यहां डिस्कस करेंगे। इजी सब्जेक्ट है, ठीक है, बहुत इजी है। इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज नहीं होती है। हाँ, आपको मीनिंग डेफिनेशन अच्छी तरह याद करने हैं। पॉइंट्स जो हैं, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, ये होते हैं, तो वो जो पॉइंट्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा हैं। तो आप पॉइंट्स हेडिंग जो है उन पर थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अंदर लैंग्वेज में हमेशा तीन चार लाइनें उनमें लिखनी होती हैं, तो वो आप उनसे रिलेटेड लिख सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में आपको फ्लो चार्ट जो होते हैं या कोई डायग्राम वगैरह हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने हैं। देखो, आप भी जब पढ़ते हो, अब आपको मान लो टाइप्स गिवन है, अब टाइप्स में कोई डायग्राम बनाया तो सबसे पहले ध्यान उस डायग्राम पे जाता है आपका, फिर उनको लैंग्वेज में आप पढ़ते हो। तो अगर आपने डायग्राम वगैरह, ये फ्लो चार्ट वगैरह ऐसा कुछ यूज़ कर रखा है तो वो बहुत अच्छा होता है। एग्जामिनर उसको देखता है, समझ जाता है, इसको आता है, फिर वो ज़्यादा लैंग्वेज को पढ़ता नहीं है और अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो एक तो राइटिंग पे फोकस कीजिएगा, जल्द कीजिएगा, और अच्छा अच्छे डायग्राम वगैरह यूज़ कीजिएगा। और वो आप कब कर सकते हो, जब अभी प्रैक्टिस करो, अभी जब आप करेंगे क्वेश्चंस, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, जब उनको करें तो आप उनको एक रजिस्टर में लिखें सबसे पहले, ठीक है, उनका आंसर लिखें, फिर कोई कैरेक्टरिस्टिक्स है या कुछ फंक्शंस हैं या कुछ टाइप्स हैं, कम फंक्शन, फाइव फंक्शन है तो उस फाइव फंक्शन का एक पेज पे तो डायग्राम बना सकते हो। तो डायग्राम की अभी प्रैक्टिस करोगे कि ऐसे बनाना, तभी तो एग्ज़ाम में बना पाओगे। ठीक है, तो वो बनाइएगा। जैसे होता है ना, जैसे आपको कोई मान लो कोई एक क्वेश्चन दे दिया प्रोजेक्ट के लिए कि भाई इसको आप क्वेश्चन करके लेके आओ एज ए प्रोजेक्ट, तो फिर आप उसमें क्या करते हैं, कलाकारी करते हैं, थोड़ा बहुत डायग्राम वगैरह बनाते हैं, थोड़ा बहुत पॉइंट्स पे हेडिंग वगैरह जो होती है वो अच्छी सॉलिड लिखते हैं, उनको हाईलाइट करते हैं। तो इस तरह से आप करोगे तो जैसे ही आपका एग्जामिनर कॉपी उठा के और देखेगा तो वो जो कॉन्फिडेंस आपका है वो कॉपी में वहीं दिख जाएगा कि हाँ इसको आता है, जब इसने इतनी कलाकारी। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता फिर क्या करोगे, आप अपने मन से लिखोगे, पॉइंट्स तो आप लिख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि आपको आता ही नहीं है। तो आप क्या करोगे वहां पर, मन से बस लैंग्वेज, फिर बोलोगे मैं तो साहब 3-4-5 पेज भर के आया था, मेरे तो नंबर ही नहीं दिए। अरे आप मन से लिख के आए थे, कुछ भी वर्ड है उससे रिलेटेड कुछ भी लिखा है, हालांकि नहीं आता तो लिखना तो है, चारा तो फिर कुछ है ही नहीं, आपको आता ही नहीं है, तो फिर क्या करोगे, लिखना ही पड़ेगा कुछ भी। लेकिन हम पढ़ के जाएंगे तो हमें आएगा, और हम पॉइंट्स वगैरह हेडिंग वगैरह लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। चलो सबसे पहले अपन इसका सिलेबस डिस्कस कर लें। तो इसमें देखिए, फर्स्ट यूनिट जो है वो बिजनेस से रिलेटेड है और बाकी सब मैनेजमेंट से। बिजनेस मैनेजमेंट है ना, तो बिजनेस में एक तो इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस और एक फॉर्म्स ऑफ ऑनरशिप। फॉर्म्स ऑफ ऑनरशिप का मतलब सोल प्रोप्राइटर होता है, फिर पार्टनरशिप फर्म होती है ना, फिर कंपनीज होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपनी में प्राइवेट कंपनी होती है, वन पर्सन कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी होती है, तो वो फॉर्म ऑफ ऑनरशिप जो है वो अलग अलग है। फिर इसके बाद मैनेजमेंट की जब बारी आ रही, तो पहला तो आपका क्या है, मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन स्कोप एंड फंक्शन, फिर मैनेजमेंट स्कूल स्कूल्स एंड प्रिंसिपल्स, और एक प्लानिंग, ये आपकी सेकेंड यूनिट में है। थर्ड यूनिट की बात करें तो डिसीजन मेकिंग, MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर और कोऑर्डिनेशन। फिर फोर्थ में डायरेक्शन, लीडरशिप, मोटिवेशन और मैनेजमेंट कंट्रोल एंड और कंट्रोलिंग, ये आपके फोर्थ यूनिट में। तो बहुत इजी है, ज़्यादा बड़ा सिलेबस भी नहीं है, ठीक है ना, लेकिन आपको पढ़ना तो शुरू से पड़ेगा ताकि नोट्स वोट्स प्रॉपर आप उसको बना सको। चलिए अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जब अपन यहाँ बात करें तो कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। फर्स्ट यूनिट जो मैंने बिजनेस की बताई थी उसमें एक तो व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस, डिस्कस द स्कोप ऑफ बिजनेस एंड डिस्क्राइब द रोल ऑफ बिजनेस इन कंट्रीज ग्रोथ, मतलब वही कंट्रीज बिजनेस का क्या रोल होता ग्रोथ के अंदर वो। फिर डिस्कस द डिस्टिंक्स बिटवीन ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और डिस्क्राइब द मैन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच। थर्ड की बात करें तो अब उसमें आपकी अलग अलग जो फॉर्म ऑफ ऑनरशिप थी जिसके अंदर सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप सब बताया था, तो इसमें देखो व्हाट डू यू मीन बाय सोल प्रोप्राइटर एंड सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन,
डिस्कस द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। साथ में आप पार्टनरशिप भी आपकी पहले पढ़ी हुई है तो आप पार्टनरशिप को भी पढ़ सकते हो साथ में, ठीक है। तो आपके चार क्वेश्चन हो जाएंगे, तो सोल प्रोप्राइटर के साथ में पार्टनरशिप भी, एक आप कंपनी भी पढ़ सकते हो क्योंकि कंपनी जो है कंपनी और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह वो भी आपके पढ़े हुए हैं पहले, तो वो जो चीज़ें उनको थोड़ा रिवाइज कर लेना। तो एक सोल प्रोप्राइटर पढ़ लेना, एक आपकी मैंने कहा पार्टनरशिप फर्म जो होती है वो पढ़ लीजिएगा उसके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह, और एक कंपनी का वो भी देख लीजिएगा साथ साथ में। फिर सेकेंड यूनिट की बात करें तो इसमें डिफाइन द मैनेजमेंट, डिस्कस द इम्पॉर्टेंस एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, फिर क्लियरली एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और आल्सो एक्सप्लेन द फियोल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो फियोल के प्रिंसिपल्स हैं वो बताइएगा। फिर व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग एंड डिस्क्राइब नेचर स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस, तो प्लानिंग का नेचर स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस बताना है। फिर थर्ड यूनिट में एक तो डिसीजन मेकिंग क्या होता है और डिस्क्राइब द डिटेल द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग का क्या प्रोसेस है। बहुत ईजी है, आप इसमें आप फ्लो चार्ट वगैरह वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है, डायग्राम वगैरह बनाना है इसमें। फिर व्हाट डू यू मीन बाय एमबीओ और एक्सप्लेन द स्टेप्स इन एमबीओ एंड इट्स एडवांटेज एंड लिमिटेशंस। फिर व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, डिस्क्राइब द फैक्टर डिटरमाइनिंग इट, तो स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर को कौन से फैक्टर डिटरमाइन करने में इफेक्ट करते हैं वो बताना है। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट, जब ऐसे स्टेटमेंट दे दिया जाता है तो स्टेटमेंट को थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करना, उसके बाद वही कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन वगैरह बतानी है, ठीक है, फिर उसकी इंपॉर्टेंस वगैरह। तो देखो एक्सप्लेन द स्टेटमेंट एंड द डिस्कस द टेक्निक्स ऑफ, तो एक तो ये जब पूछा एसेंस ऑफ मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है तो इसका मतलब इंपॉर्टेंस बतानी है और उसके बाद में फिर इसकी क्या बतानी, टेक्निक्स भी बतानी है। फिर फोर्थ यूनिट की बात करें तो इसमें एक तो अब इसमें चैप्टर थोड़े ज़्यादा थे, तो डायरेक्शन उसका इंपॉर्टेंस, स्कोप और एसेंशियल ऑफ साउंड डायरेक्शन, फिर उसके बाद लीडरशिप क्या होती है और व्हाट डू यू मीन व्हाट आर द इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मॉडर्न बिजनेस, तो लीडरशिप की इंपॉर्टेंस वगैरह बतानी है। फिर डिफाइन द मोटिवेशन, डिस्कस द फैक्टर अफेक्ट द मोटिवेशन एंड मैथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन, तो एक तो इसके फैक्टर्स बताने हैं और फिर मैथड्स भी बताने हैं। फिर डिफाइन कंट्रोल और डिस्कस द टेक्निक्स ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल और डिस्क्राइब द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम, एक कंट्रोल सिस्टम में क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए वो। फिर गिव द मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल एंड डिस्कस द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल, मतलब कंट्रोलिंग की प्रोसेस वगैरह पूछिए, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप, मैंने फिर कहा केवल रीडिंग से काम नहीं चलेगा, आप लिखिएगा, लिखने की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। टाइम 3 घंटे का रहता है, 4 तो आपको बड़े बड़े क्वेश्चन करने हैं 20-20 मार्क्स के, 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन करने, फिर 2-2 नंबर के भी 10 क्वेश्चन होते, तो बहुत लेंथी चीज़ हो जाती है। तो लिखने की अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इनको आप कीजिएगा, बाकी कोई और दिक्कत हो तो कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। और इनका शॉर्ट में थोड़ा कोर्स भी DCM क्लासेस की ऐप पे अवेलेबल है, तो DCM क्लासेस की ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा आप, ठीक है, और वहाँ पर स्टोर सेक्शन में कोर्स देख सकते हैं। बाकी कोई दिक्कत हो तो नंबर दिए हुए हैं, कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा भाई, जल्द से जल्द, ठीक है, ताकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अवेलेबल हो जाए। थैंक यू।